बेटा संभाल के बेटा मर्जिया इसको ले लो, उसको ले लो। सिर्फ ये अहले सुन्नत
पड़ता है। हर मुसलमान जो इस कुरान मजीद पर अमल करता है वो ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 183 को जरूर पढ़ता है, जिसमें खुदावंद आलम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और इसमें तफर्रुका मत करना, इसमें इख्तलाफ न करना। अब मैं बात को बयान करना चाहती हूँ कि आपको मालूम हो गया कि मैंने किस किस का जिक्र आपके सामने किया। जब आप सूरह लुकमान की आयत को देखे वहाँ पर जिक्र किया गया फकद इस्तमसका बिल्उरवतिल वुस्का के उरवतिल वुस्का ही अल्लाह की रस्सी है, अल्लाह की रस्सी है। अब जब हदीस में आके देखा जाए तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते हैं कि इसका इशारा फरमा रहे कि देखो उर्वतुल उस्का से मुराद क्या चीज है, नहनु अहलुल बैत उर्वतुल उस्का, हम अहले बैत हम अहले मोहम्मद उर्वतुल उस्का है। फिर उसके बाद फरमा रहे कि इसका अहले बैत नहनु उर्वतुल उस्का मवद्दत आले मोहम्मद, यानी आले मोहम्मद से मोहब्बत करना ही अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने के एक रास्ता है। अल्लाह पर हम जिसकी सजदी कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अव्वल से लेकर जो मैंने आयत आपके सामने बयान की सूरह आराम की, वहाँ से जो ये आयत का कंसर्न है मैं आपको पूरी तकरीर का जो जुज है उसी चीज का जुज बयान करना चाहती हूँ। तो जो ये सूरह आले इमरान की जो सूरह आराम की और सूरह आले इमरान की आयत आपके सामने बयान करना चाहती हूँ। आयत मत भूलिए, मैं आयत को आपके सामने पहले से ही तकरीर का बयान कर चुकी हूँ, वाजे तौर पर बयान कर चुकी हूँ। लिहाजा कहा कि देखो मुस्तकीम के रास्ते पर चलो, इसके इत्तबा करो, और उसके साथ साथ ही मना किया है किनकी तरफ कि तुम दूसरों की बताई हुई रास्तों की पैरवी मत करो, तुम दूसरों की बताई हुई रास्तों की पैरवी मत करो। कि दूसरे लोग आखिर है कौन कि जिसे हमारा परवरदिगार आलम कह रहा है कि इनकी इत्तबा मत करना, इनके रास्ते पर मत चलना, अगर तुमने इनकी इत्तबा करी तो तुम गोया गुमराह हो जाओगे। लोग है कौन?